नमस्कार, इनडीसी न्यूज की टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इनडीसी की खबरों के साथ, जानिए देश विदेश की खबरें एक साथ। नई दिल्ली में टीचर के मुद्दे पर आप विधायकों की एलजी के खिलाफ नारेबाजी। मनी लॉन्ड्रिंग के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेश एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। राजस्थान के चुरू में लुढ़का तापमान, 2.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा पारा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 20 से 25 नक्सलियों ने की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई के बाद वापस भागे जंगल में नक्सलवादी। पीएम मोदी ने आज अपने वीरों के पहले बेंच को किया वर्चुअली संबोधित। नेपाल प्लेन क्रैश, 26 शव की पहचान, 4 शव को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया फिर से शुरू। हिमाचल में कई इलाकों में बन सकती है जोशीमठ जैसी स्थिति, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना। अगले 3 दिन उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली में 16 से 21 जनवरी तक सर्दी का येलो अलर्ट, तो वहीं कोहरे के कारण नॉर्दर्न रेलवे की 13 ट्रेनें चल रही हैं लेट। और फिल्म RRR का एक और परचम, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में विदेशी भाषा की कैटेगरी में जीता सर्वश्रेष्ठ अवार्ड।